का दिख रहा है ऐसी करके फेंक दी मेरा भाई खत्म भाया मेरी अत्याची है रही है मेरी अत्याची है रही है तो कुछ बात कर रही तुम सब क्या नाम है भाई साहब? बीके सारस्वत कहते हैं, मैं मसला रिफाइनरी से इंजीनियर टायर हूँ। अच्छा। मैं सब जानता हूँ कितने भ्रष्ट हैं, कितने बेईमान हैं, ठेकेदारी प्रथा दे रखी है 18,000 मिनिमम वेजर मजदूर का, उससे भी ठेकेदार 10,000 वापिस लेता है, 11,000 में मजदूर अपनी अत्याची करा रहा है, बेलदार भी 500 रुपए लेके चलता है, जो पैनल पे इनके काम कर रहे हैं उन्हें 500 रुपए भी नसीब नहीं है। आज जो घटना कम हुआ है इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? अरे ये सब अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए, ये भ्रष्ट अधिकारी बेईमानों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, ये सब जानते हैं, मिली भगत है इनकी। क्या करोगे आप लोग? है भाई साहब, जनता को सड़क पे आना चाहिए इनके खिलाफ। पहले आते थे वो नेता था तुम्हारा, क्या नाम है, शिवदत्त चतुर्वेदी, पहले उसे जो कैजुअल लेबर थी सब बहाल कराई, पर हमारी नौकरी दिलवाई उन्हें, बहुत कुछ हुआ। आज यहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बड़े दुख की बात है, गैस लीक का कारण बताया जा रहा है। बहुत दुख की बात है ये, इसमें गैस लीक में परमानेंट स्टाफ को क्यों नहीं रखते, कैजुअल वर्कर को एक 10,000 रुपए तनख्वाह पाने वालों को मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है, क्यों? ये सब अधिकारियों की मिली भगत है, अधिकारी सब जानते हैं, अधिकारी खुद ठेकेदार से भी कमीशन खाते हैं। यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है। राजे राजे भाई, बिल्कुल प्रशासन की मैं लापरवाही नहीं है भाई साहब, बहुत लापरवाही है, प्रशासन के अधिकारी खुद कमीशन खाते हैं ठेकेदारों से, सब भ्रष्ट हैं, बेईमान है, सब बेईमान है, सब बेईमान है। जितना यहाँ से पानीपत का जितना स्टाफ आया है अधिकारी वर्ग, सब एक से बड़े बेईमान है, पहले इतनी बेईमानियां नहीं थी सब ऐसा, और अब ये पानीपत स्टाफ जितना आया है सब शोषण कर रहा है, सब रिफाइनरी को लूट खा रहे हैं, बहन जो बेच रहे हैं खुलेआम बेचा जा रहा है। पर ये भी बताया गया है कि जब मृतकों को यहाँ पर लाया गया था रिफाइनरी की जो एम्बुलेंस थी वो छोड़कर तुरंत चली गई, भाग गई होगी, बिल्कुल लापरवाही की, बिल्कुल लापरवाही, मृतक को यहाँ पर डाल करके चले गए, कोई उनके पास नहीं रहा और उनकी किसी उपचार के बारे में कोई जानकारी अपडेट उन्होंने लेने की कोशिश नहीं की। रिफाइनरी में लगातार कॉन्ट्रैक्ट लेबर बड़ी असुरक्षित स्थितियों में काम कर रहा है, हाल ही में छड़गांव का एक नौजवान कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बुरी तरह जल गया था, जो हादसा हुआ उस हादसे को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, दूसरा ये हादसा हो गया है। रिफाइनरी की सुरक्षा को लेकर के और रिफाइनरी में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सुरक्षा को लेकर के निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ हो रही हैं और ये लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है, ये दुर्भाग्य का विषय है। क्या इस प्रकार की लापरवाहियां होती रही तो किसी बड़ा हादसा हो सकता है? निश्चित रूप से ये किसी बड़े हादसे की आशंका को जन्म देती हैं, ये हादसा हमारे आम मथुरा के लोगों के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए रिफाइनरी को अपने सेफ्टी मेजर्स के बारे में फिर से समीक्षा करनी पड़ेगी और साथ के साथ रिफाइनरी में काम करने वाली जो लेबर है उसके भविष्य की और उसकी सुरक्षा की उसे प्राथमिकता में रखना पड़ेगा। यहाँ पर हॉस्पिटल प्रशासन में जब मरीज को लाया गया यहाँ पर वेंटिलेटर तक की सुविधा नहीं है, इस पर क्या कहना चाहिए? काफी दिन से नहीं है भाई साहब, ये तो बहुत ही घोर लापरवाही है मैनेजमेंट की और यहाँ के प्रशासन की, स्वर्ण जयंती के की। स्वर्ण जयंती में ज्यादातर देखा गया है कि जो भी पेशेंट आपातकालीन में आते हैं उनके लिए उपचार के लिए कोई व्यवस्था है? कुछ नहीं है सिवाय गोली इसके बोतल के अलावा, कोई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई डॉक्टर है बढ़िया स्पेशलिस्ट है, ना वेंटिलेटर है, ना अंदर कहीं भी कोई मशीन लगी हुई है, कोई सुविधा नहीं है, राम भरोसे रहते हैं पेशेंट, आते राम भरोसे, बस एज ए फर्स्ट एड मान लो या फर्स्ट एड सेंटर है ये बस। केवल ग्रामीण में जो हॉस्पिटल चलाते हैं या चिकित्सालय चलाते हैं इस प्रकार का एक ऑलरेडी फर्स्ट एड सेंटर मान लो इसे बस, इससे अलावा कुछ नहीं है, बिल इसमें लाखों रुपए का तनख्वाह जाती है,
डॉक्टरों की स्टाफ की बैठा रखते बैठा दिए, वैसे प्रशासक किलम चोटते कमीशन खाते। मैंने ये देखा यहाँ से बहुत समय से देखा हूँ कि यहाँ इमरजेंसी मरीज आता है यहाँ पे तो उसको गोली टेबलेटर ऐसा डॉक्टर दे करके वो डॉक्टर तो घर चले जाते हैं दिलवाले, और रात को कोई सुनवाई नहीं, यहाँ से मृत्यु हो जाए या बच्चा या चला जाए दूसरी जगह रेफर कर देते चला जाए, कोई खास व्यवस्था नहीं है जो होनी चाहिए होनी चाहिए। सार्वजनिक अस्पताल है, रिफाइनरी नगर के द्वारा चलाया जा रहा है, परंतु ऐसी अवस्था यहाँ पर देखने को आवाज़ नहीं मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है जी, अच्छी किसी कंपनी को दे नहीं रही, आई ओ सी खुद चला ठेके पे दे देते हैं साहब, जो कमीशन ज्यादा देते हैं उन्हें हर चीज ठेके पे, अस्पताल ठेके पे, अंदर वाला टाउनशिप का हॉस्पिटल ठेके पे, अंदर रिफाइनरी में सारे कर्मचारी सब ठेके पे। आज विधायक जी का हादसा हुआ रिफाइनरी प्लांट के अंदर, क्या कहना चाहोगे? हाँ ये अभी मुझे सूचना मिली आज, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था मैं वहीं था, मुझे जैसी सूचना मिली, क्योंकि मेरे क्षेत्र के मेरी विधानसभा का मामला गांजौली बलदेव क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, ब्लॉक फरह पड़ता है, वहाँ का जो भूर सिंह का बालक है ये ओम प्रकाश, और ज़्यादा नहीं पर 34-35 साल मात्र उम्र है इसकी। रिफाइनरी में जितनी जो कंपनियाँ आती हैं जो पास बना के वो देती हैं, वो सब देने के बाद वो अपना काम करती हैं, अब रिफाइनरी में तो सारा पेट्रोलियम के जितनी पदार्थ सब वो रहता ही है, अब वो जो गैस लीक हुई क्या हुआ आई डोंट नो, बट अंदर काम करते समय रिफाइनरी के अंदर ये दुर्घटना घटी और ओम प्रकाश डाई हो गया, ख़त्म हो गया, उसकी बॉडी यहाँ पर स्वर्ण जयंती अस्पताल में हम खड़े हैं, यहाँ पर लाई गई है, शासन प्रशासन के हैं। अभी मेरी IOC से अधिकारियों से बात हुई है, जो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो वो है जिनके मुआवजा, तो मैक्सिमम उसका जो मुआवजा बनता है ना, कार्य जीवन का ख़त्म होने पर कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन इतना ही है कि उसके परिवार के, क्या वो एक मात्र लड़का था उसी को वो परिवार अभी डिसाइडेड, तो जैसे आपकी जैसे मुझे बताया रिफाइनरी वालों ने कि 10 और 5 मांगे करके 5 जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में थे वो 20 के जी मान के लिए चल रहे हैं, मेरी में एक जीवन में वो नहीं रहा है, उसकी कीमत नहीं होती, मैंने पहले ही कह दिया था, लेकिन वो 20 भी थोड़ा कम है आज की उसको देखते हुए, अगर एक बहन बेटी की कोई शादी भी करने जा रहा है आज भी कहीं भी देखें तो उस पर जब वो आदमी नहीं रहा तो उस परिवार को देखते हुए, उसके माँ बाप को देखते हुए, उसकी परिस्थिति को देखते हुए, इसमें जो उसका कंपनसेशन होता है परिवार की क्या मांग है? परिवार की मांग तो कुछ नहीं, परिवार तो अपने बेहाल है, उसका लड़का चला गया, ये तो हम आप बैठे हैं जितने पूरा गांव या जड़ा हुआ पूरा गांव का गांव आया है, IOC के अधिकारी आए हैं, उसमें मेरा तो यही अपेक्षा है इनसे कि परिवार के साथ पूरी तरह से मानवीय आधार मानिए, आगे जिम्मेदारी उसके परिवार पर बड़ी, जो पहाड़ टूटा है आदमी के न रहने पर उस पर क्या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, मैं उसकी मांग करता हूँ। क्या IOC की इसमें लापरवाही रही है, इस प्रकार की लापरवाही? इसकी तो मैं नहीं कह सकता, आई वाज नॉट हियर, आई वाज नॉट देयर दैट टाइम, लेकिन जो भी रही हो हम तो ये कहते हैं मेरे क्षेत्र का एक बालक खत्म हुआ है। कैश पर रिफाइनरी को भी अंकुश लगाना चाहिए, अभी आपका है, क्योंकि ऐसी कोई आती है रिफाइनरी पूरा प्रिकॉशन रखना चाहिए, कहीं कैसी हुई है क्या चाहिए, जाँच का विषय है, ये जाँच के बाद की बात है, लेकिन फिलहाल इस समय हम जब बैठे हैं वो तो इस परिवार से, जो बच्चा ख़त्म हुआ ओम प्रकाश उस परिवार के मैं साथ हूँ, मेरे क्षेत्र का मामला विधायक की हैसियत से मेरी आपके मीडिया के माध्यम से यही है कि उस परिवार को पूरा का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए।